वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भट्टू चौधरी व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मेरा नाम है भट्टू चौधरी और ये मेरा पहला यूट्यूब पे वीडियो है और पहला मोटो व्लॉग है। तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया सी प्लेस एक्सप्लोर करने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और जहाँ पे जाके आपका दिन बन जाएगा। ऐसी इतनी खूबसूरत प्लेस है जिसका नाम है कर्नाला बर्ड सेंचुरी, जो कि वहाँ पे आप कर्नाला फोर्ट को भी विजिट कर सकते हो। और कर्नाला फोर्ट के लिए हमें ट्रैकिंग करना पड़ेगा, आज वो हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब वो अपना मतलब 40-45 किलोमीटर का राइड होगा वन साइड। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, तो उसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, और फिर मिलते हैं अभी एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। बाय। चलो फ्रेंड्स, अभी हम पूरा गेट ऑफ हो चुके हैं और निकलते हैं अपनी फर्स्ट ड्रीम राइड की ओर। ये मेरा ड्रीम राइड में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है। तो अभी ट्रिप को कर देते हैं जीरो, ट्रिप बी को। ओके, तो करीबन हमें 40-42 किलोमीटर यहाँ से जाना है, तो निकलते फ्रेंड्स। हम अभी मैप वगैरह कुछ सेट नहीं करते, क्योंकि मुझे ऑलरेडी कुछ हद तक पता है कि कहाँ से जाना है। फाइनली मैं आज मैंने जो सोचा था मैं वो कर पा रहा हूँ। चलो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे रोड पे। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं गणपति बापा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। कर्नाला बर्ड सेंचुरी वो पड़ता है आपका पनवेल तालुका में, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रायगढ़। तो काफ़ी खूबसूरत प्लेस को क्या बताऊँ मैं, बहुत ही हैप्पी हूँ मैंने फाइनली मेरा ये जो जर्नी है स्टार्ट कर दिया है। अभी तो बहुत दूर जाना यार, लेकिन हम डटे रहेंगे चाहे कुछ भी हो। हमें अभी दो रास्ते जाने के लिए, चलो मैं डोंबिवली से जा रहा हूँ तो मुझे दो रास्ते, एक मतलब शिरफाटा की ओर, मतलब शिरफाटा से पहुँचते ही लेफ्ट लेके जो रास्ता पनवेल की तरफ जाता है, ओके, वो एक है। और उसके बाद है आपका एक बदलापुर पाइपलाइन रोड। तो ये दो रास्ते हमारे पास से निकल जाएंगे हम। बहुत ही ट्रैफिक रहती है मानपाड़ा पे। चलो मैं ट्रैफिक क्या दिखाऊँ आपको, मैं आपको आगे ही मिलता हूँ। मैं जरा टायर प्रेशर चेक करना। ये है, हम आ गए फ्रेंड्स शिरफाटा पे। यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे पनवेल की तरफ, और करीबन हम 10 किलोमीटर तक चला चुके हैं। थोड़ा तो ज़्यादा ही टेम्परेचर लग रहा है मुझे, थोड़ा तो गर्मी हो रही है। लेकिन जिस जगह पे हम जाने वाले ना, वहाँ पे मतलब वो पूरा जंगल होने की वजह से काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा वहाँ पे। प्यास लग रही थी, सोचा कि थोड़ा ठंडा पिया जाए, क्योंकि और इतने गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। जब मैं ऐसे मतलब कहाँ पे रुकता हूँ ना, जैसे सिंगल विंगल पे, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। बहुत जरूरी है, ना ये देखो भाई डारे घुस रहा है। अरे भाई, साइड मिरर किस लिए दिया है, साइड मिरर में देख लेना एक बार पीछे कोई आ रहा है या नहीं। हमें जाना है अभी स्ट्रेट। ये लेकिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सही है सही है। ऐसे ही रोड मांगता अपन को, ऐसे ही रोड।
प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऑफ रोड पर आ जाए तो उसके लिए भी हम रेडी है, हमारी बाइक रेडी है। ये बहुत सपोर्ट करती मुझे हर चीज़ में, एक बढ़िया। एक्चुअली जब आप नई मुंबई की तरफ आते हो ना तो रास्ते आपको बहुत बढ़िया ही मिलेंगे, क्योंकि यार देखो यार रास्तों का काम देखो आप, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त मक्खन वाले रास्ते। और आप सामने देख पा रहे हो या नहीं पता नहीं, लेकिन सामने मुझे एक बहुत बढ़िया पहाड़ नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक वो बहुत लग रहा है आप उनको पास में, लेकिन है नहीं पास में। और जैसे ही पास पास में बढ़ रहे हो वैसे ही नज़ारे अलग ही हो रहे भाई, बहुत अलग, पूरा वाइल्ड लाइफ है, पूरा वाइल्ड लाइफ, ज़बरदस्त वाले नज़ारे। और रोड भी ऑसम है भाई, ऑसम, कोई दिक्कत नहीं। अरे खूबसूरती यार, खूबसूरती, इसलिए तो मतलब ये प्लेस मैंने ढूंढ के निकाला है। एक्चुअली मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैंने मतलब इस प्लेस के बारे में बहुत लोगों ने सुना था, लेकिन मैंने सुना ही नहीं था। लेकिन आज जब मैंने सर्च किया, सब कुछ किया, तो पता चला भाई ये प्लेस ऑसम है। और देखो आपको दिख ही रहा होगा ज़बरदस्त वाला नज़ारा। और भाई लोग पीछे मस्त खाना खा रहे थे साइड में, एक नंबर ग्रीनरी भाई, ग्रीनरी। बस इसके लिए मैं यहाँ तक आया, ज़बरदस्त। यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, कन्नड़ा पक्षी अभयारण्य। हम आ गए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पूरा टाइमिंग लिखा है, सुबह 7 बजे से 4 बजे तक, और 3 के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं है, और 1 के बाद 4 पे नहीं जा सकते। नंबर का बाइक था IMH 05 EK 3816। सकाळी खरं म्हणजे विजिट असते का? ओके ओके, चला नेक्स्ट टाइम सकाळी जावं लागेल मग। एंट्री फ्रेंड्स, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे अभी। और यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिक वगैरह कुछ यहाँ पे मत फेंकिए और इनको तकलीफ़ मत दीजिए। कितने क्यूट है बच्चे, बहुत सही। और यहाँ से हम एंटर करते हैं, जैसे एंट्री करते वक्त यहाँ पे लिखा है कि वन्य प्राणी पक्षी यांना पिंजऱ्यात बंदिस्त करून ठेवणे, त्यांच्या कातडी शिंगे तसेच अवयापासून तयार केलेल्या वस्तूंचा वापर करणे अशा मतलब ये गुन्हा आहे अगर आप ऐसे करते हो, पिंजरे में उनको रखते हो। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा गुन्हा है। तो एक्चुअली पूरा इंफॉर्मेशन है, आप आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दिया गया है कि आप क्या क्या मतलब देख सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ आवाज़ सुनो।
कितना क्यूट दिख रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे फोन से सामने बैठा है। एक्चुअली कुछ भाई लोग मिले यहाँ पे मुझे और ये रहे हो आप पर हम है राजा का ओमकार ओमकार ये सब भाई लोग हैं और इन्होंने मुझे पूछा कि आपका, तो मैंने इनको बताया तो ऐसे समझो कि ये मेरे सब्सक्राइबर ही अभी। चलो थैंक यू मित्रा, चलो मिलते बाय। चलो अभी आगे जाते हैं और यहाँ पे मतलब कोई ऐसे केज में ऐसे देखने लायक कुछ नहीं है यहाँ पे, को दिखाता हूँ मैं, इतना मुझे नहीं लगा, जो नेचुरली है वो सिर्फ नेचुरली है। यहाँ पे है बर्ड्स है यहाँ पे, ब्लैक काइट है, हो सकते हो। इतना बढ़िया क्लाइमेट है यार यहाँ पे, मतलब बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे दिया गया है, मतलब तो भारत का जो संविधान है उसमें कलम नंबर 51 को लिखा गया है। उनको पूछते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है, पूछा था क्या अवेलेबल है। एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने एक वड़ा पाव लिया है क्योंकि थोड़ा मतलब कुछ खाते क्योंकि इतना थोड़ा चढ़ के आए तो भूख लग गया, और एक अपना माजा का बॉटल, तो चलो फिर खाते और मिलते हैं आपको बाद में। फ्रेंड्स अभी हमने थोड़ा हल्का फुल्का खा लिया है और बहुत ही बढ़िया था वहाँ पे, टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे एक चीज़ आप अगर आते हो तो ध्यान में रखना कि जो भी बंदर देखेंगे उनको कुछ खाना खिलाओ मत, क्योंकि वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप यहाँ पे आते हो तो कुछ मत उनको डालिए। और बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, सुबह भी बहुत मज़ा आएगा और बरसात के दिनों में भी बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे, देखो ये खिकड़ा, देखो गया अंदर गया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है यार। अभी क्या होगा ना, हर जगह हर मतलब बहुत जगह अभी बिल्डिंग्स, पेड़ पौधों का तो नामो निशान नहीं है शहर में, तो यही है ऐसे एक प्लेसेस होते हैं जो जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया है। पूरा ये नज़ारा वहाँ से आया था, बहुत ही बढ़िया यार, मतलब आप खुद यहाँ पे आगे जब आके देखोगे ना तब आपको पता चलेगा इतना बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत है यार यहाँ पे। आप आओ कभी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बहुत एंजॉय करोगे।
बहुत बढ़िया यार, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या कहूँ, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज लकड़ी का है, मस्त मौजू का पूरा नज़ारा। आप सिर्फ आवाज़ सुनो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा अभी। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, काफ़ी बढ़िया। ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ से रिटर्न जाए। फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ पे आओ यार, ज़बरदस्त प्लेस है। और लिटरली मुझे इतने पक्षियों की आवाज़ आ रही है ना, तो मैं आपको यार बता नहीं सकता, वो आपको वीडियो में सुनने को मिल जाएगा। जब आप इधर आओगे ना, तो रियली आपको ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और बहुत बढ़िया यार, मतलब मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। क्या बोलूँ यार मैं आपको, ज़बरदस्त वाली फीलिंग बोलते हैं ना, वो आ रही है, खतरनाक यार। ये छोटी सी जगह बनी हुई है, मतलब टूरिस्ट लोगों के लिए चलने के लिए, अदरवाइज़ आप कहीं पे एंटर नहीं कर सकते हो। बहुत ही घना है, आप देख ही सकते हो, बहुत घना है, बहुत। इसे मतलब आप अंदर इजीली एंटर नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स बहुत अभी मतलब थोड़ी थकान से होने लगी, क्योंकि डेढ़ किलोमीटर तक तो चला ही गया होगा, और अभी थोड़ा पानी पीते यार, बहुत प्यास लगी। थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक नंबर वाला एक्सपीरियंस। चलो पानी पीते और निकलते आगे की ओर।
भाई लोग बहुत गजब का एक्सपीरियंस है। और मेक श्योर अगर आप आते हो ना तो ओडोमॉस लगा के आना, क्योंकि बहुत मच्छर है ज़बरदस्त, पूरे कान में घूम घूम कर रहे हैं। ऑल इज़ गुड। चलो भाई लोग आपको कुछ दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे ना ओपनली खेकड़े घूम रहे हैं, दिखाता हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे दिखे मुझे, कैसे कर रहे हैं। खतरनाक। चलो अभी चलते आगे, तो बहुत मतलब जाना था अभी लेकिन टाइम नहीं है अभी। चलो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं अभी आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। चलो फ्रेंड्स निकलते हैं अभी यहाँ से। एक्चुअली काफ़ी घूम लिया यहाँ पे। मजा आया घूमने में। फ्रेंड्स मेरे में घर पे पहुंच गया हूँ और काफ़ी बढ़िया दिन रहा आज का। और राइड के बारे में बोला है तो काफ़ी स्मूथ रहा अपना राइड, मतलब मुंबई से लेके करनाल तक और करनाल से लेके रोहिल तक काफ़ी मतलब बढ़िया रहा। इसी गूगल से आते वक्त थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगा नासिक और करनाल की बात बोला जाए सेंचुरी में गए थे हम और जगह भाई मौसम उसने आज मेरा पूरा दिन बना दिया। एक्चुअली मैंने वीडियोस में देखा था लेकिन इतना मुझे लग नहीं रहा था कि इतना भी खूबसूरत होगा, लेकिन जब मैंने खुद देखा तो भाई खतरनाक, मतलब क्या बोल रहे हो प्लेस के बारे में। और फोर्ट पे जाना अपना रह गया इस बार, लेकिन अगली बार ज़रूर फोर्ट पे जाएंगे। तो मैं तो 11 बजे निकला था, वहाँ पर 1 बजे पहुँचा था भाई, तो 1 बजे से लेके फिर शाम के 4-4:30 बजे तक मैं वहाँ पे था। तो इतना टाइम काफ़ी नहीं है एक्चुअली, तो प्लेस बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा है, तो आपको घूमने के लिए कम से कम 1 दिन चाहिए। तो यार चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे फोर्ट के लिए। और बस ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जस्ट कमेंट करके बताना यार आपको कैसा लगा मेरे टाइम लैप्स वगैरह, कैसा लगा मेरा वीडियो। और मिलते हैं बढ़िया ब्लॉग में, तब तक के लिए आपका और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।